गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन वीडियो फाइटर मूवी का, जो ऋतिक भाई ने, ऋतिक सर ने, हमारे ऋतिक हैंडसम मैन ने निकाला है। यार क्या कहूँ भाई, इसका ट्रेलर इतना गजब का है भाई। सो चलते हैं आज एक रिएक्शन वीडियो पे, इसी के ट्रेलर पे आज हम रिएक्शन वीडियो लाने वाले हैं। सो लेट्स गो गाइस। सो भाई साहब, वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है। क्या VFX यूज किया है यार भाई, क्या VFX यूज किया है यार, धुआं छोड़ा के लगता है एकदम धुआं छोड़ने वाला है ये मूवी। मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, ऋतिक भाई, ऋतिक सर हमारे बहुत स्मार्ट लग रहे हैं इस मूवी में भाई। अरे यार क्या मूवी है यार, क्या मूवी ट्रेलर निकाला है भाई आपने। आप सब इंडियन एयरफोर्स के गाइस, दीपिका पादुकोण हम सबकी फेवरेट टॉप एविएटर्स हो, इसलिए आप सबको हैंड पिक करके हमने एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई है। दूसरे को जानो, बॉन्ड विद ईच अदर, जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे। भाई मुझे लगता है ये पुलवामा अटैक पे है, क्योंकि अभिनंदन जी के समय में भी यही हुआ था। सो गाइस मेरे को लगता है ये पुलवामा अटैक पे भी हो, जो 14 फरवरी को हुआ था हमारे यहाँ 2020 में, शायद 20 में ना गाइस, हाँ 20 में ही। सो देखते हैं क्या होता है आगे चल के इस रिएक्शन वीडियो में, तो गाइस बने रहिएगा हमारे साथ। भाई साहब क्या VFX यूज किया है यार। भाई साहब क्या बताओ यार, चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ। क्यों, तुम्हारा एक्स यहाँ से था? नहीं। अरे भाई डायलॉग, चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ, तो क्यों तुम्हारे एक्स यहाँ से था? तो नहीं, शायद नेक्स्ट यहाँ से हो जाए। क्या डायलॉग मारा है यार। भाई मेरे को लगा ही था कि ये पुलवामा अटैक पे है, सच्ची में पुलवामा अटैक पे ही है ये। भाई साहब फोड़ के रख देने वाले हैं ये ट्रेलर। हमले में हमारे देश ने 40 से ज्यादा जवानों को खो दिया। बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। भाई ये दिन याद आता है भाई, क्या बताओ यार, क्या बताओ, बहुत दुखद दिन था यार, बहुत बहुत दुखद दिन था। पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बस। भाई मोदी जी आपने जो किया है ना कारनामा पाकिस्तान वालों को, ये देख लो क्या हो रहा है हमारे मूवी इंडस्ट्री में, देख लो भाई। उन्हें दिखाना पड़ेगा के सच में यार, उन्हें दिखाना तो है ही था भाई, बाप कौन है, दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है उसका। भाई साहब क्या सीन है यार, तगड़ा वाला सीन है यार, मजा आने वाला है इस मूवी में, मजा आने वाला है। मैं तो भाई फर्स्ट डे ही जाऊंगा यार, मजा आएगा ये मूवी देख के यार। ओके एंटर कर रहे हैं, मिशन इज अ गो, फर्स्ट का हिंदुस्तानी। क्या हो रहा है भाई साहब, का जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का जवाब। इनकमिंग मिसाइल। धोखे का जवाब भाई, देख लो, देख लो भाई धोखे का जवाब, धोखे का जवाब बदले से देने आए हैं यार। क्या डायलॉग लिखा है यार। भाई साहब दिस रिपब्लिक डे आने वाला, मेरे को लगता है ये 26 जनवरी को ही आएगी यार,
अब 26 चाहे 25 जनवरी को आए पक्का। हमने सुसाइड अटैक किया, उन्होंने एयर स्ट्राइक। चार F-16 पाकिस्तान से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब टेरर अटैक नहीं, जंग होगी। भाई साहब ये क्या हो रहा है, फाड़ के रख देने वाला है ये मूवी गाइस। दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं। तो मेरी खुशी के लिए तुमने मुझे रुलाने का फैसला लिया है। पर वतन से हंस। भाई साहब दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं। हसी सनम नहीं होता। हर वतन से हसी सनम नहीं होता गाइस। बार तुम्हारी ईगो की कीमत ये फौज चुका था, लेकिन इस बार उसकी कीमत तुम भी चुकाओगे। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कहीं। ये मेरी टीम है सर और उन्हें मेरी जरूरत है। भाई साहब ये इमोशनल के साथ साथ बहुत कुछ दिखाने वाला है मूवी। इमोशन बहुत है इसमें यार, दिल थाम के देखना गाइस। 25 जनवरी को आ रहा है ये। पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। जय हिंद गाइस, जय हिंद। कमेंट बॉक्स में सारे लोग लिख देना भाई एक बार जय हिंद। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने भाई साहब मेरे को एक बात बताओ गाइस, ये जो पीओके का जो सीन है, पीओके का जो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि भाई पीओके हमारा है, पीओके हमारा, मैं तो मोदी जी से कह रहा हूँ, मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि भाई कश्मीर का नाम बदल के श्री राम रख दो, फिर मैं पाकिस्तान कहेगा कि मेरे को श्री राम हमारा है यार। मैं तो यही चाहता हूँ कि मोदी जी अगर मेरी वीडियो आपके पास पहुँचे तो पक्का कश्मीर का नाम चेंज करके जय श्री राम लिख दो, चाहे श्री राम लिख दो, फिर पाकिस्तान कहेगा श्री राम हमारा है। यही करो मोदी जी, अब लास्ट ऑप्शन यही है लोग कुत्तों से निकलने का। मालिक हम हैं। तो जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला आईओपी बन जाएगा। भाई साहब भाई क्या डायलॉग है यार, तुम जैसे टेररिस्टों के चलते अगर हम अटैक किए जाए तो हमारा हर आईओपी बन जाएगा कश्मीर भाई। अरे भाई इंडियन ऑक्यूपाइज कश्मीर आई ओके। भाई क्या सीन होने वाला है यार, देखो मेरे को तो लग रहा है हिट करेगी ये मूवी यार। बहुत धासु एक्टिंग किया ऋतिक सर ने, बहुत धासु वाला। फाइटर गाइस, फाइटर आने वाली है यार। देखो यार देखो, प्री बुकिंग कर लो भाई। भाई साहब 25th जून को आ रही है गाइस, 25th जैन को। सो आप लोग जरूर देखना, और हाँ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय श्री राम लिखना मत भूलना गाइस। सो इसी के साथ रिएक्शन वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सो बाय, टेक केयर, बाय बाय।